का बहुत बहुत स्वागत है। लगातार पूरा देश आपके बारे में बात कर रहा है आजकल। सीताराम बागेश्वर धाम की जय, सनातन धर्म की जय। और आई एम नॉट बाबा, आई एम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। तो मैं आपको धीरेन्द्र जी कहके बुला सकता हूं? बिल्कुल धीरेन्द्र जी, शास्त्री जी, महाराज जी, इन संबोधन से, क्योंकि ना तो दाढ़ी मूछ है ना हमने संन्यास लिया है जी। हाँ नहीं, वैसे लोग कहते हैं कि आप बहुत हैंडसम लगते हैं और आपकी उम्र भी सिर्फ 26 साल है। तो मैं शुरुआत यहीं से कर लेता हूँ। आप सिर्फ 26 साल के हैं। 26 साल तो एक ऐसी उम्र होती है जो जिस समय युवा हमारे ये सोच रहे होते हैं कि कौन सा स्मार्टफोन लेना है और कौन सी मोटरसाइकिल खरीदनी है और कहाँ जाकर नौकरी करनी है, और आप 26 साल की उम्र में ही इतने बड़े स्वामी या बाबा कह लीजिए या गुरुदेव कह लीजिए, आपके बहुत सारे नाम हैं, आप यहाँ तक पहुँच गए। तो ये सब हुआ कैसे? हमारे बागेश्वर धाम की परंपरा में पीढ़ी दर पीढ़ी दरबार लग रहा। पूज्यपाद दादा गुरु जी भी लगाते थे और दादाजी के पहले भी एक संत थे वो भी लगाते थे। तीसरी पीढ़ी में हम सेवा कर रहे हैं, तो बचपन से ही सनातन का जुनून है, तो सनातन की बात और सनातन की सेवा कर रहे हैं और अपने इष्ट और सनातन संस्कृति साधु संतों की तपस्या का प्रचार कर रहे हैं। बस यही हमारी एक छोटी कहानी है। भाइट भाइट ही भाइट है, ब्लैक है ही नहीं कुछ। लेकिन लोग अब आपकी कहानी में लगातार ब्लैक ढूंढ रहे हैं। मैंने सुना आपको, आपने कहा कि मैं और कोई स्पष्टीकरण अब नहीं देना चाहता इसके बारे में, आपको लगातार जो चुनौतियां मिल रही हैं, लेकिन देश आपसे ये जानना चाहता है कि इसमें कितनी उसका। आज हमने नेशनल चैनल पर, आज हमने नेशनल चैनल के सामने लगभग 20 से 25 चैनलों के कैमरा लगे होंगे, 4 लाख लोग थे। हमने चुनौती दी थी, चुनौती देने वालों को कहा था कि रायपुर हमारी जगह नहीं, छत्तीसगढ़ है, दरबार 20 और 21 को लगना है, किराया हमसे ले लो, जिन जिन को दिक्कत है आकर के देखो। हम कोई दावा नहीं करते, हम कोई ईश्वर नहीं है, हमारे अभी हम साधारण इंसान है, गद्दी पर बैठेंगे, जो गुरु प्रेरणा लगेगी हम वो बता देते हैं, और बालाजी की कृपा और संतों की तपस्या के प्रभाव से वो बात सत्य निकलती है। और सत्य को कितनी भी कसौटी पर कसा जाए, कितने न्यूज चैनलों ने एक्सपोज नहीं किया, कितने लोगों ने नहीं किया, आज तक बाल टेढ़ा कर पाए, क्योंकि हनुमान जी की कृपा और हनुमान जी के नाम का प्रचार है जी। आप धीरेन्द्र जी, आप खुद को गुरुदेव कहते हैं, स्वामी जी भी कहते हैं, धर्म गुरु, संत, तो आपका परिचय क्या है, आप हैं कौन? ना तो हम कोई संत हैं, ना हम कोई स्वामी हैं, ना कोई हम मठाधीश हैं, बागेश्वर धाम के चरणों के सेवक हैं। और श्रीमान जी, हम आपको बता दें कि हम एक, जिस प्रकार पिता अपने पुत्र के रोग पर भगवान से, ईश्वर से, डॉक्टरों से, लोगों से प्रार्थना करता, दुआ के लिए गुजारिश करता, निवेदन करता, वैसे ही हम गुरु होने के नाते, उस गद्दी की सेवादार होने के नाते, बागेश्वर पीठ के सेवादार होने के नाते, और सनातन धर्म के सच्चे साधक होने के नाते, और मंत्रों की चिकित्सा को जानने के नाते, आने वाले लोगों के लिए उनकी श्रद्धा को देखकर ईश्वर से प्रार्थना करते। हमने आपके वीडियोस लगातार देखे सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, बहुत सारे वीडियोस आपके चलते रहते हैं जिसमें आप अपने कागज लेकर बैठते हैं और लोगों की मन की बात को आप पढ़ लेते हैं। तो ये जो मन पढ़ने वाली मशीन है, ये कहां आपने लगाकर रखी है और कैसे पढ़ते हैं आप, और लोग इसी को चमत्कार मानते हैं? देखो भाई, ये भारत देश है, इसमें ऋषि मुनियों की परंपराएं विविध रही, और भारत इसीलिए तो विश्वगुरु रहा, यहाँ खूब खोज की फाइयान यात्री जैसे विदेशी लोग आए, पर भारत को विश्वगुरु उन्होंने इसीलिए तो माना सबने, क्योंकि भारत में वैदिक परंपरा थी, प्राचीन परंपरा है, ऋषियों की परंपरा है, और हमारे पास कोई मशीन नहीं है, ना हम कोई मन पढ़ने वाले माइंड रीडर हैं, हम तो अपने इष्ट के सेवक हैं और अपने शास्त्रों के सच्चे साधक हैं, उनके आधार पर जो हमें गुरुजी ने प्रेरणा दी, जो हमें इष्ट प्रेरणा देते हैं, हम वो लिख देते हैं, सच निकले या झूठ, वो व्यक्ति की श्रद्धा और बालाजी की कृपा। जी, हमारे आप लोगों की आवाज हम तक और हमारी आवाज लोगों तक पहुंचाते हो, वैसे ही हम अपने इष्ट की जो चेतना तरंग है और लोगों की जो अर्जी है, वो अपने इष्ट तक, इष्ट की तरंग को लोगों तक पहुंचाते, ना आप कुछ हो ना हम कुछ। देखिए, जो आप बता रहे हैं ये तो भारत की संस्कृति में जो योगी और मुनि और जो सिद्ध पुरुष हुआ करते थे उनके पास ये शक्ति होती थी, ये हम भी सुनते आए हैं। लेकिन आपकी उम्र है सिर्फ 26 साल,
जितनी आपकी उम्र है उससे दुगना या तिगना तपस्या करने के बाद जो योगी हुआ करते थे, हमारे जो ऋषि मुनि होते थे, तब उनके पास ये शक्ति आती थी कि वो ये सब कर सके। आपकी उम्र ही को टोटल 26 साल है, तो आपके पास ये चमत्कार की जो शक्ति है इतनी जल्दी कैसे आई है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा प्रश्न। ये आपसे किसी ने पूछा नहीं होगा। तपस्वी तो नहीं है, ये घोषणा तो नहीं करते, लेकिन आज भी दिन ना रात, हाँ बहुत, अरे आप, आपकी योग्यता का क्या कहना, आई प्राउड ऑफ यू, हमको आप पर बहुत गर्व है आपकी लैंग्वेज से और आपके स्पष्ट प्रश्नों से। तो देखो बाकी लोग तो वही घिसे पिटे क्वेश्चन करते हैं, आप ये जो बीच की नई चीजें ले आई बहुत गदगद कर गई हमको। तपस्या, तपस्वी हम नहीं है, लेकिन दिन ना रात तपस्या में ही गुजर रहा। 9-10 साल की अवस्था से ही हमने बालाजी की सेवा की, जब बच्चे खेलना सीखते थे तब से हमने हनुमान चालीसा का पाठ, और गुरु ने जो विधान बताया वो मीडिया पर बताने का विषय नहीं है, वो अनुभव का विषय है। कभी आप आइएगा तो उसको हम आपको बताएंगे कि हमने क्या क्या अपने जीवन में मुश्किलों को सहा, कितना हनुमान चालीसा का पाठ किया, रातों भर हनुमान जी के चरणों में बैठ कर रोए हैं, रातों भर हवन किया है, उसका ही परिणाम है जो आज सनातन संस्कृति का झंडा जगह जगह गाड़ा जा रहा है। और जो भोले भाले लोगों को धर्मांतरण कर रहे थे छोटी छोटी ट्रिक दिखाकर, ऐसे मिशनरियों के मुंह पर तमाचा, भारत के इतिहास में नेशनल चैनलों के सामने कोई पादरी नहीं आया, कोई अन्य धर्मों के लोग नहीं आए, पर बागेश्वर धाम ने चैलेंज देकर के ललकार कर गद्दी पर ठोक कर झंडा गाड़ा है आज रायपुर के दरबार में। अच्छा, आप तो इतना लोगों के मन की बात जान लेते हैं, अंतर्यामी आप हैं, इस समय करोड़ों दर्शक आपको देख रहे होंगे, क्या आप इस समय कोई हमें चमत्कार दिखा सकते हैं? लाइव अंतर्यामी नहीं है, और हमको, हम कोई भी अंतर्यामी नहीं, ऐसा कोई जो है अंतर्यामी होने का आज तक हमने दावा नहीं किया। अंतर्यामी सिर्फ परमात्मा है, हम तो उनके सेवक हैं, और हम कोई जादूगर नहीं है कि कोई भी बोले कि आप डमरू बजा दो तो हम चमत्कार दिखा दें। हम अपने इष्ट से प्रार्थना करने वाले एक याचक हैं, तो हमारे सामने तो जब वो आएगा उसकी श्रद्धा दिखेगी, हम प्रार्थना करेंगे, वो सनातनी बनेगा, हम प्रार्थना करेंगे, हमारे बालाजी उस पर कृपा कर देंगे। लॉजिक सीधा सा है, फंडा सीधा सा है, और जादूगर मैजिशियन थोड़ी है कि डमरू बजाए, हाँ भाई आ जाओ खेल देख लो। अब देखो प्यासा कुआं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता है। जी धीरेंद्र जी, मैंने देखा आपके वीडियोस में, हम किसी को बुलाते भी नहीं है, बिल्कुल श्रद्धा अगर अच्छा, आ जाए तो ठीक। आप ये बताइए, मान लीजिए अगर कोई और धर्म का व्यक्ति आपके पास आए, कोई इस्लाम को मानने वाला आए, कोई ईसाई धर्म को मानने वाला अगर आपके दरबार में आए और आपसे मदद मांगे, तो आप सिर्फ सनातनियों के लिए ही मदद करते हैं, या अगर कोई इस्लाम को मानने वाला भी आपके पास आ जाए तो आप उसके लिए भी, अच्छा, आपके जो इष्ट देव हैं उनकी भी मदद करेंगे? बिल्कुल, मानव होने के नाते हमसे तो बहुत मुसलमान भाई भी जुड़े हैं, और बहुत क्रिश्चियन वाले लोग भी हमारे पास आते हैं, अन्य पंथों के लोग भी हमारे पास हजारों की तादाद में आते हैं, हम गिनती गिनवा देंगे कई दरबारों में। आप हमारे वो खोजिएगा, वो बताइए क्या बोलते हैं अपना नेट का, YouTube खोजिएगा, YouTube पर आपको लंबी लिस्ट मिलेगी, उसमें कहीं ना कहीं मुसलमान भाई का विचार उद्भाव और वो जो माइक पे बोलते हैं वो बाइट मिल जाएगी आपको, हम आपको भिजवा देंगे, आप अपनी टीवी पर दिखवा देना लोगों को। अच्छा ये बताइए कि जब लोग आपके पास आते हैं, मैंने देखा, तो ऐसा लगता है कि आप उनके अंदर बताते हैं कि इनके अंदर कोई प्रेत है, कोई भूत है, फिर वो छटपटाने लगते हैं, अजीब तरीके की आवाज़ें निकालने लगते हैं, कई बार वो बेहोश हो जाते हैं, एक अजीब सा दृश्य देखने को मिलता है। अभी मैं आपको वो तस्वीर भी अपने दर्शकों को भी मैं दिखा रहा हूँ निकाल कर, अगर हमारे पास वो तस्वीरें, बहुत देखिए अभी हम तस्वीर दिखा रहे हैं, लोग जो हैं वो देखिए झूम रहे हैं, कई लोग तड़प रहे हैं, अपने ही आपको एक मार रहे हैं, वाइब्रेशन हो रहा है जी, तो ये इस समय लोगों को क्या हो जाता है, ये क्या होता है? नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा की लड़ाई है, हम कुछ नहीं, हम पे तो कोई प्रेत चढ़ा नहीं है, लोगों के ऊपर जो नकारात्मक ऊर्जा आती है वो जैसे ही बागेश्वर बालाजी के सामने पहुंचती है या हनुमान चालीसा की जो चौपाई है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे, तो अगर 500 साल पहले लिखा हुआ हनुमान चालीसा गलत है
तो भूत प्रेत नहीं है। और अगर आप हनुमान चालीसा को गलत मानते हो तो फिर हमें आपसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर हनुमान चालीसा को मानते हो तो उसमें ये चौपाई भी है, ये चौपाई भी है, तो ये बात सत्य भी है। अब कोई शक्कर को चीनी कहे, कोई शुगर कहे, कोई खाड़ कहे, कोई मिठाई कहे, शक्कर शक्कर है, नाम कुछ भी संबोधित कर दो तो कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई पॉजिटिव एनर्जी बोल देता है। नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा की लड़ाई ही, ये हम देहाती लोग हैं तो प्रेत बाधा बोल देते हैं। नहीं, मैं भी हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हूँ और वर्षों से कर रहा हूँ, मुझे कंठस्थ भी है, पर आपके जैसी शक्ति अभी तक मेरे पास नहीं आई है कि मैं लोगों को कोई उनका निदान कर सकूं। लेकिन आपने एक चीज नोट की, आपको अब आपको बागेश्वर धाम आना चाहिए। मैं जरूर आऊंगा। मजाक में कह रहे हैं। लेकिन धीरेन्द्र जी, आपने एक चीज नोट की कि जिस तरह से लोग आपके यहाँ ये व्यवहार करते हैं, बिहेव करते हैं, जब ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, ईसाई लोग जो हैं, जब ये अपने यहाँ कोई कन्वर्जन कैंप लगाते हैं लोगों के लिए, वहां पर भी हमने इसी तरह का व्यवहार लोगों को देखा है। वो भी ऐसे ही इसी तरीके से झूमने लगते हैं, कुछ कुछ उनका देखिए, वो भी मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ। तो ये बताइए कि ये करना पड़ा, पूरे देश में चर्चा है जी, पूरे देश में इसी बात की तो चर्चा है। ये मिशनरियां क्यों पीछे लग गई? क्योंकि इनकी दुकान बंद हो गई। ये झूठे भोले भाले लोगों को ट्रिक दिखा करके और छोटे मोटे उपाय करके हमारे गरीबों का शोषण करते हैं, उनको धर्म परिवर्तन करवा देते हैं और अपने धर्म को बढ़ाते हैं। हमने जो घर वापसी करवाई, धर्मांतरण रोका, और हमने जब इनको दिखाया कि अपने धर्म में भी ये ताकत है, मंत्रों में जो तुम धर्म परिवर्तन कर रहे हो, नक्कटा हरो, आ जाओ वापस, तो वो फिर साहर्ष आ गए। अब उनको डर है कि ये आदमी हमारा सब मिशन फेल कर देगा, इसीलिए तो ये जो है हमारे खिलाफ षड्यंत्र स्वांग दुनियादारी। तब तो आपको ब्लैक एंड वाइट करना पड़ा है, उन्हीं लोगों के उपद्रव करने से पूरे देश में वो हो गया है जी। तो लेकिन ये भी ऐसे ही दिखाते हैं जैसे इंसान के अंदर कोई प्रेत, जैसे कोई इंसान के अंदर प्रेत आत्मा आ गई है, वहां पर भी हमें ऐसे ही देखने को मिल रहा है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जो ये दोनों जगह कॉमन है, या प्रेत आत्मा जो आप निकालते हैं, भूत प्रेत अंतर है, ये कोई भी पादरी बागेश्वर धाम का सामना नहीं कर पाएगा जी। कल से आप लगातार टीवी चैनल्स पर इंटरव्यू दे रहे हैं, मैंने आपके बड़े इंटरव्यूज देखे। आपने सोचा था कि इतनी जल्दी, आपके जो भक्त हैं वो तो हैं ही, लेकिन अब देश में जो लोग आपको नहीं जानते वो भी अब आपको जान गए हैं। अचानक से आप पिछले 48-50 घंटे में बड़े मशहूर हो गए हैं। तो वो जो समिति है जो आपके पीछे पड़ी, उसका तो धन्यवाद देना चाहिए आपको। आंधी की भैया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि हम भी अंधविश्वास के खिलाफ हैं। और देखो, ये आंधी के नाम है, बात में दम और शक्ति होनी चाहिए। अपने मीडिया को मैनेज करके कोई भी नाम फेमस करा सकता है, कर सकता है, पर अगर दम नहीं होगी, ताकत नहीं होगी, सच्चाई नहीं होगी, बोल्ड आउट हो जाएंगे। आज पूरे नेशनल मीडिया एक्सपोज करने आई थी, आपका चैनल भी तो आया था, आपका चैनल ने चूंकि उल्टा दिखाया है, क्योंकि पता नहीं आपके चैनल को क्या हुआ है, जो हमने ललकार कर चुनौती दी थी उसको पता ही नहीं, उसके पास भी नहीं भेजा और आप लोग भी नहीं आए। तो आप लोगों ने तो ये दिखाया कि सफाई देते देते आंखें भरी हैं। अरे सफाई देते हमारी आंखें भरेंगी, हम बब्बर शेर हैं, उनको हमने रुला दिया है झंडा गाड़ करके। तो कल हम फिर कहेंगे कि कल आकर के आंखों खुली आंखों से लोगों को देखना चाहिए। आप बिजी रहते हैं तो आपको नहीं बुलाएंगे। पर मैं देख रहा था आप बड़े क्रोधित थे, मैंने आपके जो वीडियो देखे कल के और आज के, बड़े क्रोधित थे आप, और बड़ा गुस्सा आपको आ रहा था, और आप कह रहे थे कि मैं अपने, अच्छा आप बताइए, आपने में नहीं एक्सपोज जब नेशनल चैनल ने किया, क्या हमने झंडा नहीं गाड़ा? हाँ, हम अपनी शक्तियों के उसमें थे, लेकिन आज हमने झंडा गाड़ दिया सनातन का, जो कहते थे चमत्कार नहीं होते भारत के इतिहास में। क्या किसी पादरी के खिलाफ इतने न्यूज चैनल लग करके उन्होंने कभी हुआ एक्सपोज? आप हाँ या ना भर बोल दीजिए बस। तो अच्छा, उसी से संबंधित आपसे सवाल पूछता हूँ, आप में और एक पादरी में और एक मौलाना में, जो मौलाना झाड़ फूंक कर रहा है, जो पादरी जो अभी हमने आपको दिखाया वो कर रहा है, और आप जो कर रहे हैं, तीनों में फर्क क्या है? बहुत सुंदर प्रश्न, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच माय डियर, आई प्राउड ऑफ यू। उसमें और हम में, बागेश्वर धाम में यही अंतर है कि देखो,
हम किसी भी प्रकार का शोषण नहीं करते, हम दक्षिणा नहीं लेते, हम अपने से नहीं जोड़ते, आने वाली चढ़ोतरी को हम गरीब बेटियों के विवाह में लगाते, 3 साल से निःशुल्क भंडारा करवाते और 2029 तक भक्तों के सहयोग से 400 बेड का विशाल कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट सेंटर बनवाने जा रहे हैं। हम दंगा नहीं फैलाते, हम शोषण नहीं करते, हम हलाला नहीं करते, हम डुबकी के नाम पर भगवान को लिए डराते भी नहीं है, हम सिर्फ श्रद्धा के नाम पर बालाजी की महिमा गाते हैं। इतने अंतर हैं, इसकी एक बहुत बड़ी किताब बनेगी जी। लेकिन वो भी प्रेत ही निकाल रहे हैं लोगों के अंदर से, आप भी प्रेत निकाल रहे हैं लोगों के अंदर से, और लोग जिस तरीके से बिहेव करते हैं प्रेत नहीं, वो भी निकालते सेम लगता है। हम तो ईश्वर से जोड़ते हैं, हम कोई दावा नहीं करते, हम कैंसर नहीं मिटाते, हम प्रेत नहीं हटाते, हम भूत नहीं हटाते, इष्ट हटा देते हैं, बालाजी हटा देते हैं। आई एम नॉट मिरेकल मैन, हम बहुत साधारण और सरल आदमी। अच्छा, आपसे ये जानना चाहते हैं, जब आप अपना दिन, अपने दिन की शुरुआत करते हैं, जब आप दरबार लगाते होंगे, हजारों लोग आते हैं, उनमें से आप कुछ लोगों को चुनते हैं, वो लोग आपके पास आते हैं, अपनी समस्या बताते हैं, उन लोगों को आप कैसे चुनते हैं पहली बात? फिर जब वो लोग आते हैं तो आप उनको कहते हो मुझे पहले से ही पता है कि आपकी समस्या क्या है, कागज पर आपने लिखी होती है, ये सब आप इसकी तैयारी आप कैसे करते हो? सुबह सुबह आप उठ के हनुमान जी से पहले कह देते हैं कि भाई आज मुझे शक्ति चाहिए? कोई तैयारी नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है, नहीं नहीं ये सब नहीं है। वो तो जाके गद्दी पर आवाहन करते हैं कि जिनकी पर्चा बनना हो आप मन में प्रेरणा दीजिए, तो वो मन में प्रेरणा दे देते कि भाई अमुक व्यक्ति को बुला लीजिए, नीरज को बुला लीजिए, धीरज को बुला लीजिए, विवेक को बुला लीजिए, इनको बुला लीजिए, ऐसी मन में प्रेरणा लगती। वो वहाँ बैठा होगा, ऐसे कपड़े पहना होगा, अब जैसे आज एक अद्भुत हो गया, अब कोई कहे कि तो माइंड रीडिंग हो सकता है, आज हमने आप में से किसी एक पत्रकार को कहा कि जाओ तुम जिसको उठा कर लाओ उसी का पर्चा हमने पहले से ही बिफोर टाइम बना कर रख दिया, अब वहां पूरी विज्ञानता सुन्न हो गई। वाह, दिमाग खराब हो गया सबका जी। और हमने कह दिया कि आप सब पत्रकारों में से दो पत्रकार, नेशनल चैनल लगे थे, हमने कहा था दो पत्रकार हमारे सामने भेज दीजिएगा, दो पत्रकारों की हमारी जी लगा देंगे, दो की हमने लगा भी दी, ऐसी लगाई अरे झंडा गड़ गया सनातन का, आज की लिंक जरूर सबको भेज दीजिए, दिखाइएगा आज का दरबार। आप मुझे भेज दीजिएगा। अब मान लीजिए इतिहास में हुआ है, यही प्रश्न दूसरे तरीके से पूछता हूँ, मान लीजिए मैं आपके दरबार में आऊं, मैं आपके सामने बैठा हूं, आपने मुझे बुलाया और मैं आपके सामने आ गया, अब आप मेरे जीवन में क्या चल रहा है और क्या होगा आगे, ये कैसे पता लगाते हैं? आभास होता है, देखो हम कोई अंदाजा तो लगाते नहीं, आभास होता है। हम प्रार्थना करते हैं, पेन कागज कलम लेते हैं, ध्यान में अंदर ही अंदर जाते हैं कि हाँ प्रभु कृपा करो, तो सनातन धर्म के उत्थान के लिए जो उन्होंने हमें चेतना तरंग दे रखी है वो तरंग हमें प्रेरणा दे देती, हम कलमबद्ध कर देते और कह देते अच्छा प्रभु लाज रखना अपनी भी और हमारी भी, और वो सत्य निकलता है। बस इतना लॉजिक है, ये लॉजिक परे है, इसी का नाम तो सिद्धि है, जो समझ में ना आए वही तो चमत्कार। अभी आप लगा सकते हैं ध्यान मेरे बारे में? आज से 30 साल पहले कोई कहे कि आप देश विदेश में बैठे सकते, देश विदेश में बैठे लोगों को वीडियो कॉल पर आप तुरंत बात कर पाएंगे, 30 साल पहले ये कोई कहता था तो कहते कितना झूठबाज आदमी है, मूर्ख आदमी है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो चमत्कार होगा, लेकिन आज सहज है। पर देखिए धीरेंद्र जी, एक जमाने में जब बारिश होती थी, लोग क्या कहा, देखिए जब एक आज से सैकड़ों वर्ष पहले, हजारों वर्ष पहले जब बारिश होती थी तो उसे भी लोग चमत्कार समझते थे, सूर्य ग्रहण होता था उसे भी चमत्कार समझते थे, दिन और रात, सुबह और शाम जब रात होती है उसे भी चमत्कार समझते थे, बाद में ये पता चला धीरे 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 कि ये चमत्कार नहीं, ये विज्ञान है, इसके पीछे विज्ञान है। तो आपकी जो कला है, आपकी जो शक्तियां हैं, इसके पीछे क्या विज्ञान है, मनोविज्ञान है, धर्म है, उसके आस्था पीछे है, पराविज्ञान, अंधविश्वास है, क्या नहीं है? नहीं, उसके पीछे पराविज्ञान है, पराविज्ञान है, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, इसके पीछे पराविज्ञान, सूक्ष्म जगत विज्ञान, जिसे आज तक विज्ञान बहुत सालों से खोज रहा समझ नहीं पा रहा, और भाई ये देखो ऐसी बात है, इसको प्रत्यक्ष नहीं कर सकते क्योंकि अंधे को सूर नहीं दिखा सकते हैं, गूंगे के द्वारा जो है गुड़ का खट्टा मीठा का स्वाद नहीं पता लगा सकते हैं, उसी प्रकार ये पराविज्ञान है हमारे प्यारे माय डियर जी। मैं जब आपको देखता हूं, आपका जो देखिए किसी भी गुरु के लिए उसका जो एक अपीयरेंस होता है वो उसके जो शिष्य हैं उससे बड़े प्रभावित होते हैं। आपका जो एक अपीयरेंस है, यानी आपकी जो वेशभूषा है, जिस तरीके से आप
अपने भक्तों के सामने अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। इस समय भी जो आपकी वेशभूषा है, देखिए बड़ी रंग बिरंगी वेशभूषा है, आपने एक मुकुट ऐसा लगाया हुआ है जैसे एक जमाने में मराठी जो मराठा राजा लगाया करते थे, है? तो इसके पीछे आपका क्या मनोविज्ञान है कि आप जो इस तरीके से अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, जबकि जो साधु संत होते हैं वो तो बहुत सिंपल रहते हैं, सरल भाव से रहते हैं। मनोविज्ञान, एक महात्मा आए हमको कंबल दे गए, एक महात्मा आए कंबल दे गए, एक व्यक्ति आया टोपी दे गया, हमने टोपी लगा ली, एक व्यक्ति आया कंबल दे गया। अब कंबल पहनना कौन सा भैया वो है, कंबल पहन लिया, अब क्या गलती कर दी यार भाई, ठंड लगती है तो कंबल ना पहने क्या करें, मर जाए क्या? नहीं, हमें देखिए राहुल गांधी पूरी सर्दियों में बिना, राहुल गांधी टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं और वो कह रहे हैं मैं तपस्वी हूँ, तपस्वी को कभी सर्दी नहीं लगती। बात कीजिए अध्यात्म की, बात कीजिएगा अध्यात्म की, बात कीजिएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, कोई राजनीतिक मुद्दा पर बात नहीं, मैं तो राजनीति कह ही नहीं रहा, मैं तो ये बता रहा हूँ कि राहुल गांधी भी तो एक तपस्वी है, उनको सर्दी नहीं लग रही, आपको लग रही है। आप हाँ, हम कंजूर आदमी हैं भैया, उनसे जाके पूछो हम किसी के बारे में क्या कहते हैं। आई एम नॉट पॉलिटिशियन, आई एम ओनली स्पिरिचुअल गुरु। आप पॉलिटिशियन तो नहीं है, लेकिन पॉलिटिशियन आपके बहुत सारे पॉलिटिशियन आपके शिष्य हैं। देखिए आपके जो विरोधी हैं उन्हें ये बात भी बुरी लगती है कि बहुत सारे नेता आते हैं बागेश्वर धाम पर आते हैं, बहुत सारे नेता आपके शिष्य हैं, बहुत सारे जो सरकार में बैठे बैठे बड़े जो लोग हैं वो आपके शिष्य हैं, आपको पुलिस की प्रोटेक्शन मिलती है, आपको जो है एक अलग तरह का सम्मान इस समय सरकार की तरफ से मिल रहा है, और वो तब मिलता है जब कोई धर्म गुरु नेताओं के साथ बहुत सरकार करीब आ जाता है। व्यक्ति की समानता के लिए नहीं, सब व्यक्ति की जानमाल की सुरक्षा करना सरकार का काम है। हम किसी भी पार्टी के आदमी नहीं है, हमारे हर पार्टी के डिवोटी है, हर पार्टी के हमारे शिष्य हैं और स्नेही हैं और आत्मा है। अब रही बात इसकी पुलिस की आदि की, तो ये जो मिशनरियों ने और आपके पास जो न्यूजें आई हैं, जो ये भ्रम फैलाया, ये जो षड्यंत्र स्वांग किए, उसके डर के कारण कहीं माहौल खराब ना हो जाए, कुछ भी हो जाएगा तो माहौल डिस्टर्ब होगा। तो एक धर्म गुरु के प्रति अपनी उन्होंने निष्ठा दिखाई है। रही बात नेताओं का चेला बनने की, धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं। वो बहुत सकारात्मक विचार पाते हैं बागेश्वर धाम से, आशीर्वाद पाते हैं, सन्यासी बाबा की कृपा पाते हैं। अब किसी को अगर जलन हो रही हो तो वो विदेशी नेता बना ले, उसमें क्या दिक्कत है, विदेशी नेताओं को चेला बना ले, खुद को नेता बना ले, खुद के नेताओं को डिवोटी बना ले। अगर किसी की जल रही है तो मिर्चा लगना चाहिए, इसमें क्या बुराई है माय डियर? आपको लगता है आपकी जान को खतरा है? ये जो प्रपंच हो रहे हैं हमें, देखो मरना बार बार है नहीं है, एक बार बचना नहीं है, इसलिए हम बहुत स्वच्छंद आदमी और बहुत दिल खोल कर बोलते हैं। बाकी जो होना है वो तो होना ही है, लेकिन पीछे तो लगे ही है, ये भी नहीं कह सकते कि नहीं लगे। छतारी में हमने घोषणा कर दी थी, इस षड्यंत्र जो अभी आप लोग लेके बैठे हैं, ये हमने आज से 1.5 महीना पहले, लोग हमसे कह रहे हैं आपकी ब्लैक एंड व्हाइट पे ये दिखा देना, छतारी में हमने कह दिया था कि अब हमारे खिलाफ षड्यंत्र होगा, अब वो हो गया। देखिए मैं तस्वीर देख रहा हूँ, इसमें देवेंद्र फडणवीस आपके सामने हैं, डिप्टी CM महाराष्ट्र के, पूर्व मुख्यमंत्री, हमने नितिन गडकरी की भी फोटो देखी, मनोज तिवारी भी आपके सामने हैं, कुछ बात कर रहे हैं। तो इससे ऐसा लगता है कि अब आप देश के शक्तिशाली लोगों के साथ आपका उठना बैठना हो गया है। हमारा पहले से ही उठना बैठना शक्तिशाली श्री हनुमान जी के साथ है, ये भूल गए आप? पूरे आलोप बल के मैनेजमेंट गुरु लॉर्ड हनुमान के साथ हमारा उठना बैठना है 11 साल की अवस्था से, वो दिखाइए जरा फोटो। आप लोगों की समस्याओं का निदान करते हैं, पर्सनल समस्याएं जो लोगों की होती हैं, किसी की कोई बीमारी है, किसी की प्रमोशन नहीं हो रही, किसी को और कोई दिक्कत है, आपने कभी, आपको इस तरह का आभास नहीं हुआ जिससे पूरे समाज का फायदा हो सके, पूरे देश का फायदा हो सके? कभी आपको ऐसा आभास नहीं हुआ कि आप पहले से बता सके कि भाई कोविड आने वाला है, सावधान हो जाओ, कोई आतंकवादी हमला होने वाला है, वो आपको पहले से पता चल जाए? बहुत अच्छा, ये भी बहुत अच्छा। देखो कोई अर्जी लगाता है तो हम उस आधार पर, जैसे हमारे पास राजनीतिज्ञ लोग आते हैं तो वो पूछते हैं प्रदेश का हाल क्या होगा, तो हम बता देते हैं भाई ऐसे ऐसे संयोग बन रहे हैं। हम कोई, आई एम नॉट भविष्यवक्ता,
हम कोई ज्योतिषाचार नहीं है, हम भविष्यवक्ता नहीं, हमें जैसी प्रेरणा लगती है हम बता देते भैया ऐसा होगा। अब कोई अर्जी ना लगाए तो हमारी बात को कौन सुनने वाला है, कौन हमारी बात को इतना सुनेगा और कौन नियम मानेगा, कौन नियम करेगा, कौन आएगा। बाकी विश्व कल्याण की मंगल कामना हम प्रतिदिन करते हैं कि ईश्वर जो होना वो तो होना ही है पर विश्व का मंगल। शाहरुख खान की नई फिल्म आ रही है पठान, उसका विरोध करने के लिए आपके दरबार में किसने अर्जी लगाई थी? अरे वो किसी ने नहीं, वो तो उसने वो गा दिया था, हमें बच्चों ने बताया ये भगवा रंग गा दिया, तो उनका भगवा रंग ही क्यों बेशरम है भाई, ब्लैक रंग, हरा रंग, ऑरेंज रंग और भी रंग भी है, उनको भी बेशरम बनाओ जी। तो क्या गलत कर दिया भाई, ये का गलत थोड़ी है, हर बार भगवा रंग ही क्यों बेशरम, हर बार हम सनातनी हिंदू ही क्यों टारगेट, हर बार हम संत ही क्यों, और आपके ब्लैक एंड व्हाइट से कहेंगे कि जो हमारा आपने ब्लैक एंड व्हाइट लिया है। किसी ने नहीं पूछे, नहीं पूछे, और हम आपसे बहुत खुश हैं, हमने कहा ना 3 बार हम आपकी तारीफ कर चुके हैं, बहुत सहज हैं आप, बहुत अच्छे हैं, और आपके ब्लैक एंड व्हाइट को देखना चाहिए लोगों को, आई सपोर्ट यू, पर आप हमारा भी सपोर्ट करिए सनातन का जी। नहीं नहीं, नहीं देखिए हमारा स्वामी जी, हमारा जो कर्तव्य है वो है ब्लैक और व्हाइट। अब आप अपनी बात कहने के लिए, अपनी पैरवी करने के लिए स्वयं बैठे हैं, अब आप मेरे ऊपर या आज तक के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते कि मेरी बात सही नहीं है, अब आप स्वयं अपने स्पोक्स पर्सन हैं, स्वयं अपने प्रवक्ता हैं। आज गलत किया है, आज दिन में गलत किया है, आज तक ने सत्य नहीं दिखाया है। अब देखिए, अब वो सारी चीजें अब लोगों के सामने आ जाएंगी, पर हम आपसे ये जानना चाहते हैं आज तक कि क्या एक धर्म गुरु को फिल्मों के बारे में बोलना चाहिए, आज दिन भर की वीडियो शाहरुख खान के बारे में बोलना चाहिए एक धर्म गुरु को, क्या आप छोटी छोटी जो सनातन के खिलाफ बोलेगा, चाहे वो फिल्में वालों हो, चाहे वो राजनेता हो, हमने शिक्षा मंत्री के खिलाफ भी बोला बिहार के, उस पर बात क्यों नहीं की, जो जो सनातन का विरोध करेगा हम उसके खिलाफ बोलेंगे, अगर ये दंगाई है, अगर ये भड़काऊ है, तो ये होते रहना चाहिए, इतना खौफ बहुत जरूरी है। तो ये आरोप आप, इसका मतलब सही है आपके ऊपर, जो लोग कहते हैं कि आप हिंदुओं को जो आते हैं वहां पर उनको भड़काते हैं आप, एकजुट करते हैं लोगों को, समझ में भड़काना आता है, जो हिंदू नहीं है उनको भड़काना आता है अपनी अपनी समझ, किसी को कल तक हम पाखंडी नजर आ रहे थे, किसी को कल तक हम चुनौती से भागने वाले नजर आ रहे थे, जब आज हमने ठोक दिया, ठिकाने लगा दिया, तो बुद्धि ठिकाने लग गई पूरी नेशनल मीडिया के सामने, तो ये अपनी अपनी, जब तक हमको समझा नहीं तब तक वो ऐसा समझेंगे। बहुत सारे लोग आपको सोशल मीडिया का स्वामी भी कहते हैं, क्योंकि अब आप यूट्यूब पर बड़े एक्टिव हैं, इंस्टाग्राम पर आपके लगातार वीडियो चलते जा रहे हैं, और ये एक नई तरह की जो है क्रांति है, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि धर्म गुरु भी अब आश्रमों से बाहर निकलकर सोशल मीडिया पर आ गए, मोबाइल फोन पर आ गए, लोग आपको मोबाइल फोन पर देख रहे हैं, ये अपने आप हो रहा है धीरेंद्र जी, या आपके पास कोई सोशल मीडिया टीम है जो आपको रोज वायरल करती है? एक दूसरे में मिस, एक विज्ञान और विज्ञान दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हमारी कोई टीम नहीं है, हम तो पहले दरबार लगाते थे, पहले भी कथाएं करते थे, लाइव नहीं आते थे, फिर संस्कार वालों ने आके कहा कि हम आपकी कथा को दिखाएंगे, क्योंकि आपकी कथा में, आपके दरबार में दम है और सनातन का प्रचार होगा, हमने कहा भाई अगर तुम्हें दिखाना है तो दिखा दीजिए, हमें क्या दिक्कत है, बस इतना ही कहानी है। अब आप आए, आप बोले हमें ब्लैक एंड व्हाइट दिखाना है, अब आप भी हमारी टीम में शामिल हो। नहीं, आपने मेरी बड़ी तारीफ की, मैं भी आपको इतना तो कहूंगा कि यू आर अ वेरी गुड स्पीकर। थैंक यू वेरी मच। तो अब ये बताइए, अब ये जो 2-3 दिन से आपको लेकर विवाद हुआ है, अब इसके बाद से आपको ऐसा लगता है कि ये एक तरीके से नया जीवन अब शुरू हो रहा है? मैटर निपट गया, रोज रोज आपके टीवी पर इतने इंटरव्यूज अब आपने दिए, हमारा नया जीवन, नई क्रांति शुरू हो रही है, रोज चुनौती आएंगी, अब हमें उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है, कितनी बार हम सत्य की कसौटी पर कसेंगे, पहले आधी हकीकत आधा फसाना आया, फिर हमारे पास में छोटे छोटे पत्रकार आए, फिर हमारे पास में कुछ तार्किक आए दिल्ली के, उन्होंने हमें एक्सपोज किया धाम पर, सबने मुँह की खाई, सबने जय जयकार की, आज हमारे पास में रायपुर छत्तीसगढ़ में 20 नेशनल चैनल आए, उनके सामने भी हमने दिखा दिया कि अब आप उठा लाओ, हम खुलना चैलेंज देते हैं, ललकार कर देते हैं, अच्छा वो भी मुँह की खाने, उन लोगों ने भी सत्य माना, मतलब आप लोग तो, आपकी भूमिका नहीं है, आपकी भूमिका तो सत्य को दिखाने की भूमिका है, आपकी उसमें क्या गलती है, जो लोग मांगते हैं आप वो दिखाते हैं, पर कई बार वो दिखाते हैं जो मांगते भी नहीं है लोग, ये बात अलग है, लेकिन आपने भूमिका निभाई और आज हमने अपने कसौटी पर हम खड़े उतरे, अब हमें बहुत चुनौतियों से डरना नहीं है और बहुत ज्यादा उस पर टाइम बर्बाद नहीं करना, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम दो एक सवाल, आखिरी सवाल मैं आपसे करेंगे, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, भाई आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, आपने गाइड
आपने गाइड फिल्म देखी है? जी नहीं, हमने नहीं देखी। अच्छा, तो गाइड फिल्म में स्वामी जी, एक गाइड फिल्म थी जिसके नायक थे देवानंद, बहुत मशहूर हीरो थे, उसमें दिखाया यह गया है कि जो उसका जो मुख्य किरदार है वो अच्छा सूखा पड़ा हुआ है एक गांव में और वो बारिश नहीं हो पा रही है, उसके लिए वो एक आम इंसान है लेकिन वो उसके लिए तपस्या करनी शुरू कर देता है और लोग आसपास के उसको बाबा समझने लगते हैं और लोगों को विश्वास इतना हो जाता है उस व्यक्ति के ऊपर कि वो वाकई तपस्वी बन जाता है और फिर वो अपनी जान दे देता है इस उसके लिए। आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ भी ऐसा ही हुआ? आपका जो बचपन है बड़ा संघर्षों से बीता, बहुत गरीबी में आपने अपना बचपन बिताया, अभी भी आप, मैं तो ये कहूँगा कि अभी युवा ही हैं आप, और ये जो विश्वास का जो पूरा जो इकोसिस्टम है इस पर आप बेसिकली लोगों के साथ संवाद कर रहे हैं, चाहे हनुमान जी आपके साथ हों या ना हों, लेकिन एक विश्वास जब बन जाता है लोगों का आपके ऊपर तो वो फिर वो शक्ति अपने आप ही एक अलग दिशा में जाने लगती है। बहुत अच्छी बात बोली, ये लॉजिक वाली बात बोली है और इस बात में बहुत ताकत और दम है। देखो, हमें हनुमान जी ने चुना है, और रही बात लोगों की श्रद्धा की, श्रद्धा टूटती और बनती रहती है, लोग स्थिर नहीं रहे किसी के नहीं। दूसरी बात, इस विषय पर हमारा सिर्फ यही कहना है कि हमने कभी अपने से लोगों को नहीं जोड़ा, लोगों की बाहें पकड़कर हनुमान जी से जोड़ा। अगर ये गलत है तो क्या कहते हैं? बस हम ना कोई तपस्वी हैं, ना हम कोई बहुत साधारण भाषा में बोलें कि बहुत बड़े चमत्कारी हैं, साधारण इंसान हैं, लोगों की निष्ठा ही चमत्कार है। अब आपकी बात का यही जवाब आप चाहते हैं तो बस वही जवाब हम दे देते हैं कि लोगों की श्रद्धा ही उनका चमत्कार है। बहुत बहुत धन्यवाद धीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आपके आलोचक जो हैं उन्हें आपके जवाब मिल गए होंगे, और बाकी देश की जनता के ऊपर छोड़ते हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा आप सबसे बड़े अपने प्रवक्ता तो आप स्वयं हैं। हाँ, कल फिर दरबार लगना है, आलोचकों से कह दीजिए कल और आ जाए। तो ठीक है, और कल थोड़ा सा मेरे बारे में भी आप सोच के बताइएगा, अगर आप सोच सकें। मैं तो यहाँ दिल्ली में हूँ, कल दरबार में थोड़ा सोचिएगा। हाँ। मेरे बारे में और मेरे बारे में कोई भविष्यवाणी हो तो बताइएगा। अरे अब आपके बारे में क्या करना, सामने कर देंगे इस पे, तो ये हो जाएगा कि कंट्रोवर्सी हो जाएगी, कुछ उल्टा निकल जाएगा मुंह से। जी, तो कंट्रोवर्सी तो खैर ठीक है, विवादों की आपको आदत पड़ गई होगी अब तक तो, और इसका मतलब ये है कि आपके अगर दुश्मन बढ़ रहे हैं, इसका मतलब आपके शिष्यों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए आपके दुश्मन भी बढ़ रहे हैं। आहा, बहुत गजब की बात, बालाजी के समर्थक बढ़ रहे हैं। धीरेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, थैंक यू वेरी मच, यू आर अ गुड स्पीकर। जय श्री राम, सनातन धर्म की जय।